नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के पांच ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा शायद ही कोई साधारण व्यक्ति कर पाए। यही कारण है कि लोग इन्हें सुपर हीरो मानते हैं, जिनकी पावर इन्हें औरों से अलग बनाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे सीक्रेट रहस्य शो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। नंबर 5, रूएटिंग। रूएटिंग जिन्होंने जब अपनी 20 साल पुरानी नौकरी छोड़ दी तो उसने अपने खाली समय में अपने अंदर की शक्ति को विकसित करने में लगा दिया, क्योंकि रू एडिटिंग के पास एक खास पावर है जिसे वह अपनी आंखों से निकले आंसू से पानी की पिचकारी निकालकर सामने पड़ी चीजों पर कुछ भी लिख सकता है, यहाँ तक कि वह जलती हुई बत्ती भी बुझा सकता है। नंबर 4, एनिमारिया। एनिमारिया के टैलेंट को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि जो वो कर सकती है ऐसा शायद ही कोई और कर पाता होगा। एनी एक समय पर दो आवाजें निकाल सकती है, मतलब वह गाती सिर्फ एक बार है लेकिन आपको दो आवाज सुनाई देगी जो बिल्कुल रहस्यमयी और भूतिया लगती है। नंबर 3, केविन रिचर्डसन। केविन रिचर्डसन के पास ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वह जानवरों से बात कर सकता है या उन्हें कंट्रोल कर सकता है, चाहे वह कितने भी खतरनाक क्यों न हो। इसमें शेर और भेड़िये भी शामिल हैं। केविन अपना यह टैलेंट चिड़ियाघर और जानवरों की कंपनी को सिखाना चाहता है ताकि वह लोग भी जानवरों को आसानी से समझा सके। नंबर 2, नतालिया डैमकिना। नतालिया डैमकिना रूस की रहने वाली एक लड़की है जिसकी आंखें एक्सरे जैसे काम करती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी बीमारी का पता लगा लेती है और उसे उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। जब नतालिया की पावर को टेस्ट किया गया तो उसने 6 में से 4 टेस्ट पास कर लिए थे। नंबर 1, वेई मिंग टैंग। वेई मिंग टैंग अपने कानों से गुब्बारे को भी फुला सकता है, क्योंकि इसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वह अपने कानों से बहुत सारी हवा एक तेजी से बाहर निकाल सकता है, जिसके कारण लोग रिंगटोन को पार्टी या फिर फंक्शन में सेलिब्रिटी के तौर पर बुलाते हैं और वहां के फेस्टिवल से उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी एक सुपर पावर को लेने का मौका मिले तो आप सुपरमैन बनना पसंद करोगे या फिर स्पाइडरमैन? कमेंट करके जरूर बताइएगा।